नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी महत्वपूर्ण चर्चा है, पर चर्चा यहां पर राजनीति की नहीं बल्कि अव्यवस्था की है। चर्चा यहां पर भ्रष्टाचार की है और चर्चा यहां पर उन बेगुनाह जिंदगियों की है जिनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि बिना नक्शा पास किए बिल्डिंग बन गई, वो भी शहर के बीचों बीच ऐसे इलाके में जो वीआईपी इलाकों में शुमार किया जाता है, और मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। इतनी बड़ी राजधानी, इतना बड़ा प्रदेश और इतनी बड़ी सरकार जो केंद्र में भी है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अपने दूसरे कार्यकाल को शुरू कर चुकी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई, माफियाओं पे कार्रवाई और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई। पर उस भ्रष्टाचारियों का क्या जो पैसा लेकर यहाँ पर अवैध बिल्डिंगें बनवा देते हैं? महज 9 इंच के पिलर पर 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो जाती है, बिना नक्शा पास की बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उस बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम होता है, वो बिल्डिंग भड़बड़ा के गिर जाती है और जब बिल्डिंग गिरती है तो उससे हताहत होती है आम जनता। और आम जनता में 2 लोग ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, उस बिल्डिंग के गिरने से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास की पत्नी और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। जिम्मेदार कौन? अगर जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है जिसकी जगह थी। हालांकि जिसकी जगह थी उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। साहिर मंजूर जो कि सपा के विधायक, उनके पुत्र नवाजिस के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद उनकी पुत्री अलायक नाम पे अपार्टमेंट था और जिसकी तरह यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए थी उन भ्रष्ट अधिकारियों पे जिन्होंने नक्शा पास किए बिना भी ये बिल्डिंग को बन जाने की अनुमति दे दी। भाई, बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पर अगर कोई LD का अधिकारी नहीं जा रहा है तो शायद LD के साथ ये तो नाइंसाफ़ी होगी। राजधानी लखनऊ में छोटी छोटी बिल्डिंग बनती है, छोटा छोटा घर भी बनता है, तो वहाँ पर हमारे सक्षम अधिकारी पहुँच जाते हैं और या अगर नहीं भी पहुँचते हैं तो उनके गुर्गे पहुँच जाते हैं। ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सूत्र मेरे पास हैं कि अगर अधिकारी नहीं पहुँचता तो उनके गुर्गे पहुँचते हैं और वहाँ पर शुरू होता है वसूली का खेल। पर इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होगी रिटायरमेंट के बाद और ये फाइल चलती रहेगी। और कितनी कार्रवाई होती है, कितने लोग जेल जाते हैं, वो सबके सामने है। यानी करे कोई भरे कोई। मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस मामले में बिना किसी राजनीति को किए हुए सीधे इस डिबेट के माध्यम से मैं तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। फिलहाल कुछ बयान सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी 9 लोगों को बचाया गया, अस्पताल भेजा है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड सभी लोग लगे हैं। देखिए, हमारी राहत बचाव की टीम तेज़ी से लगी हुई है। हम जल्द से जल्द जितने भी हमारे कुछ अभी वहाँ पे नागरिक अभी फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू करके उनको अस्पताल भेजने का काम करेंगे। हॉस्पिटल भी हमने रिजर्व कर रखे हैं, सिविल हॉस्पिटल है, KGMC है, और हम जल्द से जल्द राहत बचाव का कार्य को पूरा करेंगे। 3 लेयर अभी काट लिया है NDRF और SDRF टीम, 4th लेयर पे कार्रवाई चल रही है उसमें, और अंदाज़ा ये है कि 5 से 6 लोग अंदर हैं। अभी मोबाइल फ़ोन से अपने परिजन से बात भी कर रहे हैं और अभी एक ने बीच में आवाज़ दी तो हमारे जवान का आवाज़ सुनाई भी दिया है। इसमें एक छिद्र करके जो है ऑक्सीजन सप्लाई भी अंदर दे दी है ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय महत्वपूर्ण यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात हम किसी राजनीतिक मुद्दे की नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की। अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो यह व्यवस्था इस अगर मुद्दे की बात करें तो 2009 की बात है। 2009 में बजीसन की जो जगह है जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर LDA में नक्शे के लिए आवेदन किया गया था, उसके बाद LDA ने उस नक्शे को निरस्त कर दिया था, उसके बावजूद बिल्डिंग बन गई। अगर हम 7 से 12 की सरकार की बात करें उस समय हमारे प्रदेश में बसपा की सरकार थी। खैर, सरकार कोई भी रही हो उसके सरकारें आई, सपा सरकारें आई, उसके बाद भाजपा सरकार आई। पर जो ये मामला अलाया अपार्टमेंट नहीं है,
इसके पहले तमाम तरह के अपार्टमेंट और तमाम तरह की खामियां हमको दिखाई दी हैं, जिसमें लबाना होटल भी शामिल है और इसके पहले लाटूज रूट पर बना हुआ प्रेसिडेंटल और तमाम होटल भी शामिल है जिनमें आग लग गई थी, उसमें भी लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल डिबेट हम शुरू करते हैं और मेहमान साहब जुड़ चुका है, आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि अगर इस डिबेट पर सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी। हमारे साथ नेता भाजपा से सपा रोशन पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से फारवन प्रवक्ता विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट से बिल प्रकाश मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे और समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा, जिनकी जो जानकारी है वो प्रख्यात समाज सेवी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, वो हमेशा सरकार की नाक में दम किए रहते हैं अगर काम नहीं होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा सभी मेहमानों से। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सपा रोशन से। सपार भाई, बिल्डिंग गिरी 2009 में बनी थी, आपकी सरकार नहीं थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ कार्रवाई जो हुआ है वो केवल नाबालिश पे हुई है। क्या कार्रवाई अधिकारियों पे नहीं होनी चाहिए? क्या कार्रवाई दोषी लोगों पे नहीं होनी चाहिए? क्या कार्रवाई यहाँ पर उन व्यवस्थाओं पे नहीं होनी चाहिए जिनके कारण दो लोगों की जान गई? कैसे देखते हैं आप? जी सपार भाई, मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं और उन पर उनके परिवार को मैं यही कहूंगा कि यह हादसा हुआ और इसके जिन लोग आपके जिनके परिवार के लोगों की जान गए उसके लिए उसके हमारे हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए गौरव जी, बिल्डिंग बनी 2009 में और 2023 में हादसा हुआ, विषय ये नहीं है कि सरकार किसकी थी या किसकी नहीं थी। अच्छा, विषय जो आपने बताया, जो सबसे गंभीर विषय ये है कि जो अधिकारी उस समय थे वो किसके उस पे पनप रहे थे। अच्छा, जो ये भ्रष्टाचार आगे बढ़ा। अच्छा, क्योंकि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कद्दावर नेता के बेटे की बिल्डिंग है, उनके लड़के को आपके माध्यम से पता चला कि गिरफ्तार भी कर लिया गया। हादसा हुआ, हमारी सरकार का जो फर्ज बनता है वो उसको पूरा कर रही है और वहां पर सभी टीमें लगी हुई है, अपना अपना काम कर रही है। हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया गया है, जो भी लोग निकल रहे हैं उनको सही से उनका इलाज हो, सारी व्यवस्थाएं सरकार पूरा कर रही है। लेकिन विषय यह है कि भ्रष्टाचार इस बिल्डर जो है जिनको ये इनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, मैं तो चाहूंगा जो जिन लोगों ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया है अगर उनके साथ साथ उनके पिता शाहिद मंजूर को भी गिरफ्तार किया जाता। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। अच्छा, क्योंकि उन्हीं के ही इशारों पर उन्हीं के ही राजनीति होगी क्या? नहीं नहीं, राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति तो पहली बात तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये राजनीति नहीं है, क्या है? ये हादसा है, ये एक हादसा है। अच्छा, और ऐसे हादसों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कितना सबक लिया सरकार ने? लेकिन सरकार ने कितना सबक लिया हादसों से? लेकिन देखिए, हमारी सरकार जो करेगी ये योगी सरकार है। अच्छा, एक बात आपके चैनल से मैं बता दूं, कार्रवाई ऐसी होगी कि उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति देखेगा कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी की सरकार है। अच्छा, जब माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, और मदरसों की जांच हो रही जो फर्जी तरीके से मदरसे चल रहे, तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। भाई, तो छोड़ा कोई नहीं जाएगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो जितना बड़ा कर्मचारी हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो रिटायर हो गया हो। अगर वो रिटायर हो गया होगा तो उसको घर से बता दीजिए, आपकी सरकार में कितने कर्मचारी जेल भेज दिया आपने? नहीं गए तो शुरुआत होगी। कब होगी शुरुआत? एक कार्यकाल गुजर गया है, एक कार्यकाल गुजर गया, कब होगी शुरुआत वो बता दीजिए। शुरुआत होगी, आप दिक्कत परेशान ना हो, सब परेशान हो गए भाई, मैं क्यों परेशान हूं? जिस तरह मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि विपक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या शाहिद मंजूर के खिलाफ आवाज उठाएंगे? अच्छा, कि उन्होंने बिल्कुल अधिकारियों पर दबाव बनाया होगा, जब नक्शा पास नहीं था तो बिल्डिंग कैसे बनाई? अच्छा, ठीक है शाहिद मंजूर की जिम्मेदारी थी। आज समय कम है, पूछ लेता हूं। उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपनी बिल्डिंग को खड़ा किया। पूछ लेता हूं, आज समय कम है, जितना उनका लड़का जिम्मेदार है। पूछ लेता हूं, समय कम है, जिम्मेदार है। चले पूछ लेता हूं। नितिन भाई आपको आवाज आ रही मेरी? जी नितिन यादव आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए ठीक है। नितिन भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही है और यहां पर बात करते हैं समाज सेवी विवेक शर्मा से। विवेक भाई, थोड़ा सा आप इस पूरी जो व्यवस्था है उसका थोड़ा एक
रूप पेश करिए, व्यवस्था क्या है, गलती किसकी है। सपा भाई ने कहा कि बीएसपी सरकार थी, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यहाँ पर सपा के जो नेता हैं, विधायक है साहिर मंजूर, उनके कारण ये बिल्डिंग बनी थी मैज नॉइंस के पिलर पे। पर क्या ये पहली बिल्डिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? गौरव जी, सबसे पहले तो जो हैदर साहब के यहाँ दुखद घटना हुई है, दुखदायी घटना हुई है जी, उसके लिए हम लोग सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि मृतक आत्माओं को शांति प्रदान हो। लेकिन यहाँ तो सब भाई बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े दलों के लोग बैठे हैं, और हमारे अभी शफाक हुसैन साहब ने कहा कि उस बिल्डर पर कार्रवाई हो गई। उस बिल्डर पर क्यों कार्रवाई हुई? इतने लोग जो मरे हैं या उसके नीचे दबे हैं, या बिल्डिंगों से जो अभी लेवाना कांड भी हुआ था उसके बाद प्राधिकरण कहां सो गया था? क्या सो गया है प्राधिकरण? जब इन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, आपको याद होगा आपकी डिबेट में लेवाना कांड, मुझे सब याद है विवेक भाई, तभी तो बोल रहा हूं जी। मैंने आपसे कहा था, और आपके भाजपा के नेता थे, उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई हो रही है। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई केवल बिजली विभाग को छोड़कर? जी, बाकी प्राधिकरण के किस अभियंता पर जी, किस अधिकारी पर, कौन अधिकारी जेल गया, किस पर कार्यवाही की? विवेक भाई मुझे, विवेक भाई मुझे, विवेक भाई मुझे ये भी याद है कि यहाँ पर लेबना होटल के जो मालिक है और मैनेजर पर कार्रवाई थी, उनको जेल भेजा गया था और शायद जमानत पे आ गए, छुड़वा दिया। हाँ, उनको केवल उनको छुड़वा दिया। हाँ, ये केवल और केवल देखिए सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है? भ्रष्टाचार जी। ये जो प्राधिकरण है लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत सारी चीजों का प्राधिकरण को लखनऊ का ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई अवैध कब्जे ना हो या अवैध तरीके से कोई यहाँ पर बिल्डिंग ना बनाई जाए, लेकिन ये खुद भी अपने आप अवैध बनाता है। अच्छा, आपको पता है लखनऊ विकास प्राधिकरण की जितनी भी बिल्डिंगे बनी है, जितनी अच्छा, भी भूखंडीय आवासीय योजनाएं हैं, अच्छा, ये केवल कंडीशनली सीसी जारी करते हैं। अच्छा, कंडीशनली सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बिल्डिंग बनने के मतलब बिल्डिंग बनने चालू नहीं होती, 10% काम नहीं होता है, ये सीसी जारी कर देते हैं ठेकेदारों। अच्छा, क्यों कर देते हैं? क्या कंप्लीशन हो गया जी? और सबसे बड़ी विडंबना, ये ओसी जारी नहीं करते। अच्छा, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं। अच्छा, ये अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, केवल तमाशा बनाकर रख दिया। अच्छा, इस जनता को मारने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण पैदा करा गया है। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं करते इनके ऊपर, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर आज 3 साल पहले यहाँ पर सचिव आए थे, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव आए थे, उनको मैंने रोक लिया था, उनकी गाड़ी के आगे लेट गया था, केवल इसी वजह से क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ जी। प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंगें हैं, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जो बिल्डिंगों की बैकबोन होती है, जो रीढ़ कही जाती है, वो होती है लिफ्टें। सारी लिफ्टों ऐसी घटिया लिफ्ट लगाई गई हैं केवल कमीशन खोरी के चक्कर में। लोग रोज उसमें बंद होते हैं, रोज परेशान होते हैं जी, कोई निस्तारण नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी, 5 बीसी यहाँ पर सृष्टि अपार्टमेंट में दौरा करके चले गए, 1 बीसी और जो जिलाधिकारी भी रहे हैं उन्होंने यहाँ पर जांच का आदेश दिया कि रोड सही नहीं बनी है, जिसकी वजह से नीचे सीपेज होती है बेसमेंट में, वो तक उसकी जांच तक उन्होंने नहीं की। मतलब आप अपनी बिल्डिंगों की जांच नहीं कर रहे हैं। भाई विवेक भाई कांड के बाद में, विवेक भाई मुझे लगता है विपक्ष तो आवाज उठाएगा नहीं, थोड़ा सपा से बात कर ले। नितिन भाई नितिन भाई भाई ये बिल्डिंग गिरी है और सपा सर बोल रहा है। सर उससे पहले जी, पहले उससे पहले हम लोगों की भी तो सर बात सुन लीजिए, क्योंकि रीजन क्या है कि जनता झेलती है, ये पार्टी वाले नहीं झेलते, ये तो केवल विपक्ष में बैठे होते हैं तब भी वार्ता करते हैं, विपक्ष में होते हैं तब भी वार्ता करते हैं। अच्छा, लेकिन उसका निराकरण नहीं करते जी, उसका तरीका नहीं ढूंढते। ये इलाज करिए, ये सड़ चुका है, ये सिस्टम सड़ चुका है, ये भ्रष्ट है। लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं, कैसी बात बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस नीति है भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई? सर कोई नहीं है, लेन देन विभाग है, और जबकि ये मुख्यमंत्री जी का खुद का विभाग है, और आपको ट्विन टावर पर कार्रवाई नजर नहीं आई? योगी जी, हमारे जो योगी जी है, फिर आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको बताऊं, हमारे जो योगी जी हैं वो तो बेचारे काम करने की कोशिश करते हैं, मैंने आज के हर एपिसोड उसमें बोला है डिबेट में। अच्छा, वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो अधिकारी जो निचले स्तर के अधिकारी उनको बरगला देते हैं कि साहब हमने काम कर दिया, हमने काम कर दिया, कुछ नहीं काम करते, केवल दिखावा करते, पेपरों में छपना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है नितिन भाई, केवल पेपर में छपा उनको सूझी हुई। सपा प्रवक्ता नितिन भाई जुड़ चुके हैं। नितिन भाई यहाँ पर सपा रसन बोल रहे हैं कि वहां पर बीएसपी सरकार बनी थी और ये जो बिल्डिंग है ये सपा के कद्दावर नेता साहिर मंजूर के बेटे की है, और समाज में पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार करती चली आ रही है,
उसी के चलते उनके ही पार्टी के एक नेता के साथ ऐसा हादसा हो गया, कैसे देखते हैं नितिन भाई? नितिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? संपर्क नितिन भाई से नहीं हो पा रहा। नहीं, वो भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी से तार जुड़ रहे हैं इसलिए। सवाल भाई प्लीज, अभी नितिन भाई से बात हो रही है, चलिए ठीक है, नितिन भाई की आवाज नहीं, इनको दोबारा पैच किया जाए। विनोद भाई, यहाँ पर जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर बातें बहुत बहुत बड़ी होती है और ऐसे रूप से यहाँ पर सपा रसन बता रहे हैं कि चीजें बेहतर हैं और सरकार लगातार काम कर रही, कार्रवाई कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, सबसे पहले इस दर्दनाक दुर्घटना में जो भी लोग, हैदर साहब का परिवार या और भी लोग जो परिवार चोटिल हुए जी, गंभीर रूप से घायल हुए जी, या दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, सबके प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए जी, मैं इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो जी, इस प्रकार के व्यवस्था में जो भी लोग जी, कोई वो किसी जाति धर्म के पार्टी के लोग हों इससे मतलब नहीं है, जो भी इसके सहभागी हैं, हिस्सेदारी हैं जी, सबको सचेत करने के उद्देश्य से एक कंस्ट्रक्टिव काम हो और जागरण की मुहिम में आपकी अगुवाई में सभी लोग इकट्ठे आएं और चलें। और सपा भाई से ये आग्रह है, मेरा आग्रह कर सकता हूं कि विषय की गंभीरता को समझें। आज की जो दुर्घटना है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पे, लखनऊ पे काला दाग ही नहीं बल्कि एक जो उम्मीद है, जो अपने घर आशियाना और परिवार उसमें सुरक्षित रह सके, जीवन यापन कर सके, उन सबको कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा। देखिए, अगर आप सचेत होके, अपने भविष्य के प्रति गंभीर होके, अपने पैसे का सदुपयोग करते हुए अगर खुद नहीं जागृत होंगे तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था वो जीरो टॉलरेंस के नाम पे हो, वो सख्ती के नाम पर हो, वो दिखावटी के लिए कोई दुर्घटना होने के बाद किसी को रस्म अदायगी के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जेल भेज दिया जाए, लेकिन ये ऐसे ही, ये खेल सो मस्ट गो ऑन, ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। और कुछ सीधे साधे भोले भाले लोग इस मकड़ जाल में, इस माया जाल में फंस के अपना और अपने प्रियजनों का नुकसान करते रहेंगे। देखिए, प्राथमिक जिम्मेदारी, सैद्धांतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, इस नहीं हमारी भी है। मैंने आपसे कहा, मैं बढ़ चढ़ के, आप कोई भी, आप कोई भी जागरण के लिए कार्यक्रम करेंगे, मैं उसमें सर्वोच्च सपना न्यौछावर करूंगा। देखिए, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो सचेत कर सकते हैं, हम विवेक शर्मा जी के साथ चल सकते हैं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कहीं पर भी विरोध की बात हो, सलाह की बात हो, खड़े होने की बात हो, भाई ये सरकार इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे आप लोग नहीं, इस सरकार के अधिकारी, सुनिए, इस सरकार के अधिकारी बेलगाम है, इस सरकार के अधिकारी लोग भाड़ में जाएं, उनके प्रियजन परिवारजन के साथ जो भी दुर्घटना हो जाए, ये अपनी जवाबदेही नहीं समझते हैं। अच्छा। वो चूंकि एलडीए के, अगर आप एलडीए की ही, चूंकि आज का विषय है, एलडीए के किसी अधिकारी कर्मचारी के पास अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जाइए और ये कहिए कि उनका दायित्व तो बनता है। अच्छा। उसको एक समय सीमा के अंतर्गत आपका फेयर काम है करके दिखाएं। आपने कहा इस तरीके से ढांचागत बंदर बांट और खुले छूली लूट का माहौल है, अधिकारी खुद ना जाके अपरोक्ष रूप से अपने गुर्गे भेज देते हैं, तो ये जब तक गुर्गा नीति चलेगी, गुंडागर्दी। अच्छा। और ये मेन है जो प्रॉफिट शेयर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा नायाब और दिलचस्प। अच्छा, योगी जी सख्त प्रशासक हो सकते हैं, योगी जी लगातार ये दावा कर सकते हैं समाचार माध्यमों के कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसी घटनाएं जब बार बार होती है, बारम्बार होती है, तो हर लखनऊ वाले को, हर उत्तर प्रदेश वासियों को उनके इस दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये बिल्कुल, अगर उनको अपने अधिकारियों की रीति नीति नहीं मालूम है तो ऐसे मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए और सैद्धांतिक रूप से ऐसे एलडीए के जिम्मेदार लोगों का, या जो भी व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफा ले ले, कम से कम यहाँ पर सबक लेते हुए और बड़े को जांच करानी समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है। नितिन भाई जुड़ गए मेरे साथ। नितिन भाई, सपाट भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी थी वो बसपा सरकार बनी थी और जो बिल्डिंग है वो समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता साहिर मंजूर के बेटे नवाजिश की है और इन्हीं की खामियाजा उनके परिवार ने भुगता है, गलती उन लोगों की है जी। पहले तो गौरव जी, ये जो भी है घटना बहुत ही दुखद है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस
घटना से बहुत सारे परिवार हताहत हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं जी। तो इस दुख की घड़ी में उस परिवार के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उनको दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का, लेकिन जिसके सबके लिए जान सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल लौट के नहीं आती है। निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, इसके लिए मैं सारे परिवार, पीड़ित परिवारों के लिए मैं हम लोग प्रार्थना करते हैं जी। और हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है जी। अब देखिए, बात आती है कि 2009 में बिल्डिंग बनी थी, बिल्डिंग उस जमाने में किसकी सरकार थी, बहन जी सरकार थी, उससे जुड़े कौन लोग थे। महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, विकास प्राधिकरण जहाँ पर ड्राइंग बनती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनती है, क्वालिटी मेंटेन करने की बात होती है, इस दौर से लेके आज के दौर तक लगातार घटनाएं होती चली जा रही हैं। लिवाना का भी आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कोई भी नेता हो, किसी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन वो बिल्डर तो चलिए कार्रवाई उसके साथ होनी ही चाहिए। इसके लिए जो मौके में फिजिकल मुआयना करने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण के जो संबंधित सुपरवाइजर से लेकर वहां के जेईई एक्शन तक होते हैं, जो क्वालिटी का सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा। डिजाइन पास करते हैं, नक्शा पास करते हैं, अगर नक्शे के विपरीत, और ये लोग का तो खुला आरोप नहीं आ रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, हमारे विवेक हमारी कर पर स्लैब इनका पैसा फिक्स होता है अच्छा। आप नक्शा पास करिए मत करिए, क्या क्वालिटी है, पर स्लैब इतना पैसा दीजिए, जितनी मंजिल की बिल्डिंग है आप फटाफट स्लैब डालिए, बना के खड़ा कर दीजिए अच्छा। ये जो भ्रष्टाचार है, बिना किसी सरकारी अधिकारी के कोई भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है। कितना पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, किसी राजनीतिक दल से क्यों ना जुड़ा हो, उसकी हैसियत नहीं है कि एक फ्लोर की स्लैब डाल ले। क्योंकि अच्छा। विभाग का जेई और उसके जो सुपरवाइजर होते हैं उनकी परमानेंट ड्यूटी उस क्षेत्र में ही विजिट करते हैं, जहां भी कहीं भी गड्ढे खुदने शुरू हुए, फाउंडेशन खुदना शुरू हुई, उनके लोग आते हैं। नक्शा बिल्डिंग बनने से पहले नक्शा बनता है, नक्शा पास होता है, जेई की रिपोर्ट लगती है जी। और उसके बाद उनके लोग सुपरवाइजर वहां परमानेंट सुपरविजन करते हैं, वीकली रिपोर्ट देते हैं कि अब कितना बन गया, अब कितना बन गया, फाउंडेशन से लेकर के और बिल्डिंग के फिनिश होने तक उनका पैसा फिक्स होता है। क्या बात। और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी कितना पावरफुल व्यक्ति ना हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, किसी समाज से जुड़ा हो, बिल्कुल, क्योंकि जाने सबकी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आज बहुत जोरदारी से कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई निश्चित रूप से उस जो भी अधिकारी रहे हों, जो भी जेईई एक्सचेंज रहे हों, जिनकी निगरानी में ये काम हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं कार्रवाई होगी, बस निलंबन हो जाएगा, निश्चित रूप निलंबन हो जाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगी भाई, निलंबन हो जाएगा निश्चित रूप से। जैसे FIR इनके खिलाफ हो रही है, FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए और बाकायदा इस सजा का प्रावधान भी है, क्योंकि अगर एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में उससे दूसरे अधिकारी सबक लेंगे। वरना देखिए, कोई भी बिल्डर हो या कोई भी व्यापारी हो, वो धंधा प्रॉफिट के लिए करता है, उसके मन में लालच होता है। ये तो लालच में बिल्डर तो अब काम करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, क्वालिटी कमजोर कर देंगे, सरिया अच्छा। बचाने की कोशिश करेंगे, सीमेंट बचाने, लेकिन ये जानो जिनके छोटे लालच में जो अधिकारी जिनको रिपोर्ट देनी है भाई, वो तो बड़े प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ये जो छोटे लालच में क्षेत्र JEE HCM जो कमीशन के चक्कर में लोगों की जानों से समझौता करते हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इनके खिलाफ FIR नहीं होती, तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी, क्योंकि ये धंधेबाज लोग जो लालच में होते हैं, ये तो लालच में काम करते ही हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदार सरकारी अधिकारी की, जो नजर रख, जिसकी जिम्मेदारी होती है वो नजर रख के काम पर, क्या स्ट्रक्चर डिजाइन बनी है, जिस स्ट्रक्चर में क्या कॉलम किस साइज का होना चाहिए, तो अगर 3 मंजिल की भी ड्राइंग है तो 5 मंजिल कैसे बन गया, अवैध निर्माण कैसे हो गया, यह नक्शा कैसे पास हो गया, इन सब पर जरूर। सपाल भाई बोल रहे हैं कि आपके नेता है, उन्हें बनवा ली, कद्दावर नेता है, वो नेता भ्रष्टाचारी थे, इसलिए उन्होंने 9 इंच के पिलर पे बिल्डिंग बनवा दी। सर, हम इनकी बात पर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, कौन नेता है, किसकी पार्टी में थी, किसकी, जिस समय इस बिल्डिंग बन रही थी उस समय सरकार किसकी थी, और वो सरकार तो जिस पार्टी के नेताओं की जानी दुश्मन थी जी। तो अब इस विषय पर मत जाइए, और आज की डेट में जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं लगातार, मैं तो आज 6वां साल योगी जी सरकार का, जितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप जांच करा लीजिए, 90% बिल्डिंगें में खामियां हैं, 2-2 फ्लोर हवा में टंगे हुए हैं, 2-2 फ्लोर अवैध निर्माण है, G+3 की ड्राइंग है,
है और जी प्लस फाइव बन चुके हैं। मैं कहूँ तो आपको नाम खोल के बताना शुरू करूँ, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं और बड़ा बड़ा उसमें बोर्ड भी टंगा हुआ। अच्छा, भाजपा के लोग हैं भारतीय जनता। अबे मैं कहूँ फोटो खींच खींच के भेजना शुरू करो और कहिए तो मैं उनके नाम खोल कर, आज भी बिल्डिंगों में बड़ा से नाम लगा हुआ है, एक बड़ा बोर्ड टंगा हुआ फला महामंत्री फलानी पार्टी। अच्छा। किसी जे और ए की हैसियत नहीं कि वहाँ जा करके और सीधे से महीने करते हैं। चलिए चलिए थोड़ा ब्रेक पर प्रसाद जी को ले ले, सवाल पास जवाब लूंगा इसका। वीर भाई जी, भाई आप भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं, पार्टी आपके लगातार संघर्ष में रहती है, कैसे देखते हैं इस घटना को और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और विपक्ष इसके लिए क्या करने वाला है? जी गौरव भाई, घटना तो बहुत दुखद है जी। हमारी गहरी संवेदना उनके साथ है, संगठन की और पार्टी की ओर से भी हमने कल जी जो कुछ कर सकते थे वो करने के लिए तैयार रहे जी। विषय ये नहीं है कि ये घटना एक कल जो हुई है, ये एक घटना नहीं है, इस तरीके की कितनी घटनाएं और होंगी हमको उसकी चिंता करनी चाहिए। बिल्डर के बेटे को आपने गिरफ्तार कर लिया, ठीक बात है, उन्होंने गलत काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो दल और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन बेसिक बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हैं उनमें से किसी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया? उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था कि आपके क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आपको भी हम गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी और आप निर्दोष नहीं होंगे तब तक आप जेल में रहेंगे जी। क्या किसी बिल्डर की यह हैसियत है कि वो एक भी ईंटा रख सकता है बिना एलडीए के मिले हुए? अच्छा, आप एलडीए के चपरासी से लगा करके बीसी तक की संपत्ति की जांच करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर के ये भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा अच्छा, और अभी कुछ दिन पहले बीसी की संपत्ति जांच का मामला आया है प्रकाश में। अच्छा, और उस पर प्रकरण चल रहा है। तो बेसिक बात यह है कि जो लखनऊ का विकास प्राधिकरण है इसका तो नाम बदल करके विनाश प्राधिकरण रख देना चाहिए। आप लोग जानकारी इतनी बढ़िया है पर हम लड़ते नहीं है चौराहे। नहीं, मैं लगातार गौरव जी इसके लिए लड़ाई लड़ता हूं। अच्छा, ये समस्या सरकार में ये आ रही है। हाँ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उनके कार्यालय से वो पत्र जाता है जिलाधिकारी के पास जी, सीतापुर डीएम के पास जी, और सीतापुर जिलाधिकारी भेजते हैं एडीएम सीतापुर को, और एक ही दिन में पत्रांक संख्या 2335 और 2336 सेम डेट, उसी दिन वो डिप्टी आरएमओ के यहां से डिस्पोज हो जाता है और एक एडीएम के यहां से डिस्पोज हो जाता है। अच्छा, आखिर मुख्यमंत्री जी आदेश ही तो करेंगे, उनके नीचे बैठी हुई नौकरशाही अच्छा इतना अनियंत्रित हो चुकी है या इस तरीके से उनको गुमराह करने में वो सफल हो गए हैं कि उनके आदेश और निर्देश के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, अब तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़कें गड्ढा मुक्त की जाए, नहीं हुई क्या? गड्ढा मुक्त हुई, उन्हीं के विधायक जी ने जो सड़कें गड्ढा मुक्त हुई उन सड़कों के गड्ढा मुक्त करने की प्रक्रिया को उखाड़ उखाड़ करके वीडियो बना करके डाला है, जो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, डाल नहीं रहे थे, पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप बताइए कि इस गड्ढा मुक्त अभियान से क्या लेना देना है समाज का, जब सत्ता पक्ष के विधायक जी ही कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, सीतापुर की धान खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी माननीय सांसद महोदया ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उसमें आज तक जांच हो रही है, कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई हो जाएगी क्या, परेशान हो, कार्रवाई कोई न हुई है गौरव जी। अच्छा, और ना ही कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, उसमें सिर्फ लीपापोती करके और ये बता दिया जाएगा कि साहब कार्रवाई कर दी गई है, सिस्टम चला नहीं पा रहा है भैया, तो आपने अधिकारी सुन इस तरीके से जब तक इन चीजों पर रोक नहीं लगेगी, बड़े नाराज है विपक्ष आपसे भाई, भले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज आदेश करते लेकिन उस आदेश का अनुपालन नौकरशाही के स्तर पर कितना होता है, वो तो रोज कहते हैं कि आईजीआरएस के ऊपर कायदे से समस्याओं का समाधान होना चाहिए, शिकायतों का निराकरण होना चाहिए, लेकिन हम पचासों ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें लीपापोती की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले ले भाई। सवाल भाई
भाई क्या भाई यहाँ पर बड़ा सिस्टम खराब कर रखा है, बल्ला अधिकारी सुनते नहीं आप लोग। मुख्यमंत्री तो अच्छे हैं, विवेक शर्मा भी बोले, विनोद सिंह भी बोले, विप्रकाश मिश्रा ही बोले, पर कह रहे अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए सब जगह पर लगाम है। अच्छा लगाम लगी है, ये विपक्ष को काम है आरोप लगाना। अच्छा, और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, क्या बात है, लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अच्छा चलिए, कि मैं बोलूं बीच में, लेकिन मैं फिर शांत हो गया क्योंकि आपसे वादा किया था। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के बड़े भाई जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, गौरव जी आपको याद होगा ये जो सपा बसपा के जो कार्यकाल रहे, अच्छा, किस तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था। अच्छा, कि जो काम हो रहा है जैसे हो रहा होने दो, उसको रोका न जाए। अच्छा, ये उसी क्रम में शाहिद मंजूर जी के दबाव में जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग, अच्छा, अगर बनी, अगर नेता ही अगर अपनी बिल्डिंग को खराब तरीके से बनाएगा और ये हादसा होता है, तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल पर वो खुले तौर पर कहें अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और वो ये मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से आवाज उठाएं कि शाहिद मंजूर को भी गिरफ्तार किया जाए। अगर वो अपने आप में ईमानदार है तो ये आवाज आपके चैनल पर उठाएं कि शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की जाए, और जो सरकार का दायित्व तो है वो सरकार पूरा काम पूरा कर रही है, राहत बचाव के लोग उसमें लगे हुए हैं, सारी चीजें व्यवस्था के तहत चल रही है, और जो ये आरोप लगाना इनका काम है ये आरोप लगाते रहेंगे। अच्छा। लेकिन ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किसके दौर में था? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ किसके दौर में था? सपा बसपा के दौर में जितने बिल्डर पैदा हुए हैं फर्जी तरीके के, वो सपा बसपा में इसकी सरकार में बिल्डर पैदा हुए हैं। अच्छा। आइए पुराने लखनऊ में मैं दिखाता हूँ। अच्छा। जहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पर बिल्डिंग किसके दौर में बनी? छोड़ दिया, सरकारें किसकी थी? आपको अंकुश लगाना चाहिए था, वो बिल्डिंग अगर न बनती तो आज ये हादसे न होते। आपका नेता, आपका कद्दावर नेता अपनी बिल्डिंग में पैसा बचाने के लिए इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है कि लोगों की जाने जा रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? नितिन भाई कुछ सपा नेता साहब, नितिन जी, नितिन जी अगर आप ईमानदार हैं तो इसी चैनल पर मांग करिए, चलिए कि शाहिद मंजूर को गिरफ्तार किया। मांग कर लेते, जवाब ले लेता हूँ नितिन भाई, मांग करिए नितिन जी, नितिन भाई, क्योंकि बेटे की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। सपा नेता के दबाव में उन अधिकारियों ने उस बिल्डिंग पर काम किया, जो कमी हुई है शाहिद मंजूर की वजह से हुई है, इसे शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की मांग करिए। अगर आप अपने आप में ईमानदार हैं, आप मांग करिए। सपा भाई मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, नवाजी गिरफ्तार हो गए, शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की मांग आप कर रहे हैं, पर क्या जो अधिकारी दोषी थे उनको गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? गौरव जी मैं आपके चैनल पर वादा करता हूँ, अच्छा, ये अखिलेश जी और माई बहन बुआ और बबुआ की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है। अच्छा। आपको बहुत जल्द जो अधिकारी इसमें लिप्त होंगे वो जेल जाते नजर आएंगे। क्या बात है नितिन भाई, जवाब दे दीजिए। लेकिन नितिन जी मांग करें आपके चैनल पर कि शाहिद मंजूर को गिरफ्तार किया जाए, तत्काल गिरफ्तार किया जाए शाहिद मंजूर। ठीक है ठीक है नितिन भाई, क्योंकि बगैर शाहिद मंजूर भाई जवाब तो ले लीजिए। नितिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? नितिन भाई आवाज चली गई, बिल्कुल आवाज आ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोले बोले बोले, एक तो ये गिरफ्तारी की मांग करिए भाई। अरे सफाक भाई जितना बोलते लगा, आप पहले गिरफ्तारी की मांग करिए। अरे नितिन जी मैं आपको बीच में नहीं बोला, आपको बोलने नहीं दूंगा, लीगली बात करूंगा। आप निकाल लीजिए सफाक भाई, मंजूर की गिरफ्तारी की मांग करिए, मुंह बंद करके सुनो तो। शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की मांग करिए, शाहिद मंजूर ने अधिकारियों पर जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। सपा में प्लीज बोलिए। गौरव भाई जी बोलिए। मैं सपा भाई की तरीके नॉन स्टॉप नहीं बोलता हूँ। अच्छा। अब ये बंद हो जाए तो मैं जवाब बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए। मैं इनकी तरीके बंद हो गए, मैं एडवोकेट भी हूँ, अल्लाह का जानकार हूँ, इसलिए उस तरीके से जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए। देखिए मैं सुनो, मैं कह रहा हूँ ये बिल्डर जो भी बिल्डर हो, शाहिद मंजूर हूँ, उनके बेटे हूँ या उनके पिताजी हूँ, और सुन लीजिए ठीक है, इस बिल्डर कंपनी को देखिए, इस कंपनी में जो डायरेक्टर हो, जिसकी कंपनी हो और जो जिम्मेदार हो, वो साथ में जो अधिकारी हैं, एक साथ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी किसी का कार्रवाई नितिन जी कार्रवाई बराबर होगी। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे भाई सपा भाई ऐसे नहीं, सुन लीजिए सपा हुसैन, देखो नादानी मत करिए, पढ़े लिखे नादानी नहीं कर रहे। अरे मांग कर ले, अरे अरे मांग कर तो रहे, सुन तो लीजिए उनको, मांग कर तो रहे वो। जी बोलिए। अरे भाई ये तो कैसे जाए, लो जैसी बात आप करने नाम लेकर मांग करिए, अरे मांग कर तो रहे, सुन तो लीजिए।
अरे भाई मैं कह रहा हूँ योगी जी गिरफ्तार कर लो, योगी जी का भी उनसे रिश्ता कैसे कर लोगे? कंपनी जिसकी होगी, जो डायरेक्टर होगा उसको गिरफ्तार कर लोगे कि किसी को भी शाहिद मंजूर, शाहिद मंजूर पिता थे नवाजिश के, शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, बगैर उनके दबाव में काम हो ही नहीं सकता। पार्टी के कद्दावर नेता, ये भ्रष्टाचार अगर अधिकारियों ने वहाँ पर किया है तो उन्हीं के शय पर किया है, उनके दबाव में किया है। तुम क्या करोगे? शाहिद मंजूर को गिरफ्तार होना चाहिए, मांग करिए, नाम लेकर मांग करिए। आग लगी थी तो योगी जी को गिरफ्तार कर लीजिए, तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमने नोएडा में भी कार्रवाई की, देवाला पर भी कार्रवाई की, कार्रवाई इस पर भी होगी। लेकिन कल प्रदेश में बलात्कार हुए, अभी कानपुर में डकैती पड़ी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर लोग डकैती डालने गए थे। करेंगे क्या? ये कैसे मूर्खतापूर्ण बात करते हैं? शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की बात करिए, डायरेक्टर होगा आप, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की मांग करिए, कार्रवाई होगी। आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। पहले पहले नितिन भाई की बात लीजिए, बोलिए पुनीत शर्मा, बोलिए। मैंने कहा नादानी मेरी डिबेट करो, इनसे कह दो कि अच्छे वक्ता हो, अच्छे बात कहो, अपनी बात कही मैंने सुनी, अब मेरे जवाब भी ले लो, देना मौका पाते, ऐसे क्यों चिल्लाते रहोगे ना, मेरी आवाज क्लियर समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है जी, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, दो शब्द की बात, समाज भाई आवाज समझ में नहीं आती कौन क्या बोल रहा, प्लीज सुन लीजिए उनकी तरफ जवाब दीजिए। मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ कि शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी की मांग करें, ठीक है? अरे मैं कह रहा हूँ भाई, आप बिल्कुल, तो मैं इतना बोलने में क्या दिक्कत है? सुनना, अगर अगर शफाक हुसैन को सुनने, अगर ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो पिता, अरे भूमिका निभा कर विपक्ष है भाई, विपक्ष उन्हीं के दबाव में भ्रष्टाचार हुआ है भाई, विपक्ष तो है, उन्हीं के दबाव में भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार, आप गिरफ्तारी की मांग कर लीजिए, दो शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ। सरकार थी क्या इनकी? अरे की सरकार थी क्या? क्यों, नेता तो थे? अच्छा, नेता थे, ऐसा तो थे नहीं कि सब नेता नहीं थे, वो अच्छा, मंत्री रहे थे, पूर्व अच्छा, मंत्री थे, अच्छा विधायक थे। चलिए नितिन भाई बोल दीजिए, जल्दी बोलिए, आप इनसे कह दीजिए कि दो मिनट, अगर दो मिनट सुन लीजिए, आप परेशान हो, लेकिन आप गिरफ्तारी की मांग करो। हाँ ठीक है, करिए, बोलिए, आप गिरफ्तारी की मांग करो, बोलिए। शफाक हुसैन, तुम मेरे हेडमास्टर नहीं हो कि तुम मुझे डिक्टेट करोगे मैं क्या कहूंगा, ठीक है? नहीं तो फिर आपको बोलने का कोई हक नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करेगी, आपको इस डिबेट पे आने का भी कोई हक नहीं है। अगर आप किसी की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर सकते, जिसके दबाव में भ्रष्टाचार हुआ उसका नाम है शाहिद मंजूर, फिर भाई गलती हो रही है, मैं छोड़ देता, गलती नहीं हो रही है। शफाक हुसैन बहुत देर से बात कर रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि मैं एक लॉ का जानकार भी हूँ, मैं लीगल बात करूंगा, अनलीगल बात इनके तरीके से नहीं कर सकता हूँ। देखिए, जो वो जो कंपनी है, जिस कंपनी ने, जिस बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाया है, उस बिल्डर ने जो भी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बहुत जिम्मेदारी से कहा था, इन्होंने सुना, हमने शाहिद मंजूर साहब हूँ, उनके बेटे हों या उनके पिताजी भी हूँ, अगर उस कंपनी में कोई जिम्मेदार व्यक्ति डायरेक्टर था, उसकी लापरवाही है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं रहती, लेकिन साथ ही साथ जो मौजूदा अधिकारी जिम्मेदार है, जो उस समय के कर्मचारी जिम्मेदार है, जो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार, जिनके मर्जी के बगैर एक ईंट नहीं लग सकती है, उन पर भी उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और, जिस तरीके से, अब तो पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, जिस तरीके से शफाक भाई बार बार इस तरीके से जिम्मेदार, मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार कर रहे हैं, कानपुर में डकैती पड़ी है, तो चूंकि मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार है, इसलिए मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लो। इस तरीके की जाहिलापन की बात नहीं की जा सकती है। मैं कह रहा हूँ कि जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जो कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जो जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मेदारी थी क्वालिटी मेंटेन कराना उस समय की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें कौन सी गलत बात है भाई? समाज में भ्रष्टाचार कोई भी करेगा, वो
अपराधी होगा, जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मैं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तरीके कतई नहीं खड़ी होती है कि बलात्कारी के साथ भी खड़े हो जाए, भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले वो गंगा में नहाया हुआ, वॉशिंग मशीन में धुला हुआ साफ सुथरा हो जाए। हमारे यहाँ पार्टी के साथ भी होगा तो भी हम उसकी गलत होगा तो उसकी निंदा करेंगे और सच होगा तो उसके साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाकर बराबर से लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि सपा गुस्सा, जांच कराओ, तुम्हारी सरकार है, कोई नहीं रोक रहा है, जांच कराइए, दोषियों को जेल भेजिए। एक सवाल करना चाहूंगा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। नितिन जी ये बता दें कि शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसी मुद्दे पे आ गया, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने नाम नहीं लिया ना, नाम नहीं लिया, बगैर उनकी सह में काम हो ही नहीं सकता, ये भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, ये भ्रष्टाचार उनके देखे, क्योंकि उनके बेटे की हैसियत नहीं थी कि एलडीए के अधिकारियों पे दबाव बना सके। अरे भाई गवार आज भी फिर ऐसे, क्योंकि शाहिद मंजूर के ही दबाव में ये बिल्डिंग बनी, क्योंकि जो बिल्डर होता है वो भी इंजीनियर होता है। बाकी मेहमान क्योंकि उनसे साहिब मंजूर की दोस्ती थी आज की जो दर्दनाक दुर्घटना हुई है उस पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इसको व्यक्तिगत तूतू में मोड़ देने की इनकी जो 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 आदत है, ये कार्य संस्कृति, ये व्यवहार, ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ही है। इसीलिए ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। कृपया साहब हुसैन साहब को आज रोजमर्रा से अलग इस विषय की, इस मामले की गंभीरता को समझते हुए थोड़ा सा धैर्य पूर्वक देखते हुए अपनी जिम्मेदारी के प्रति इनको एहसास होना चाहिए। नाराज है भाई? नहीं, नाराज नहीं है। ये देखिए, ये आम बहस नहीं है, ये चौराहे की आम चर्चा नहीं है। जिस प्रकार से इनको ये बताता है, इनको ये इल्म ही नहीं है कितनी भयंकर, कितनी दर्दनाक ये दुर्घटना है। और आज वर्तमान इस समय में, आज के इस परिवेश में इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी इनकी बनती है। ये सिर्फ ये कह के कि उस कार्यकाल में हुआ था, ये दोषी वो दोषी, और व्यक्तिगत शपथ दिला के या किसी से हड़बड़ाहट में कुछ निकलवा के ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते मेरे भाई। आप लोगों को कब ये बात समझ में आएगी? सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जिस प्रकार से ये आक्रामक होके जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, ये आक्रामक मुद्रा में, गौरव जी जिस प्रकार से आक्रामक मुद्रा में ये आपकी सार्थक बहस को डिरेल करने में लगे हैं, ये इनकी नीति और नियत को खड़ा करती है। इस प्रकार से आप थोड़ी सी तो गंभीरता रखिए, थोड़ी सी तो गंभीरता रखिए। मंजूर की गिरफ्तारी की मांग आप लोग क्यों नहीं करते? ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, ये सरकार, आप कितना सचेत है, आप किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, आप भ्रष्ट अधिकारियों को कितना संरक्षण दे रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी सरकार में अधिकारी प्रवक्ता बोल रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपकी सरकार में क्यों अधिकारी बेलगाम है, क्यों अधिकारियों के अरे प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहे हैं, विनोद सिंह बोल रहे हैं, ये बिल्डिंग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सुन लीजिए, ये तो ऐसा गौरव जी की है, ये तो ऐसे लग रहा है, गौरव जी ये तो ऐसे लग रहा है, भाजपा के साथी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे लखनऊ से कानपुर के बीच में बस चला रहे हैं और सवारी को बुला बुला के बैठा रहे हैं। अरे विषय की गंभीरता को समझ, ये कौन सी बात है, आप क्या बात करते हैं, कहना पड़ा, ये ऐसे चर्चा की बातें ना करिए, ये बहुत ऐसी चर्चा नहीं होती है, ये बहुत ओछी बात है। बिल्कुल आप ओछी हरकत कर रहे हैं, आप ओछी हरकत कर रहे हैं, इतनी बड़ी लखनऊ में दुर्घटना हो गई, बेटे को गिरफ्तार किया, संरक्षण में भ्रष्टाचार पनपा, उसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करेंगे कि उस व्यवस्था से जुड़े हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग, और सरकार बड़ा कर रही है, सरकार अपना काम बड़ी जिम्मेदारी कर रही है, चलाने वाले बेताब होते हैं सवारी के लिए, बयानबाजी कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, डिबेट पे आ जाते हैं, बस मछली सरकार में जनता खिलवाड़ हो रहा था।
नहीं दिखाई दे रहा था आपको। वोट दे के अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भविष्य में ऐसी गलती ना हो। जी नितिन, ऐसी गलती ना हो और भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। इंडिया के एलडीए के व्यवस्था से जो लोग जुड़े हैं वो पूरी तरीके से धर्मग्राही में लगे हैं। उनका समय, उनका ऊर्जा, उनका पूरा तंत्र इसमें जा रहा है किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, स्लैब वाइज, मटेरियल वाइज, ऑर्डर के नाम पे, मानचित्र के नाम पे किस प्रकार से लूटा जाए। अच्छा ठीक है, लखनऊ की जनता चूल्हे भाड़ में जाए। ठीक है ठीक है, हमको आपको सचेत होना पड़ेगा और गौरव जी का कार्यक्रम निरंतर देखे रहिए और सपा हुसैन जी की आज बात से, इनके व्यवहार से, इनके बातचीत से मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत आहत हूँ। अच्छा। और इनके इनके लिए माफी मांगता हूँ। कृपया अरे सब करने वाला काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आपने जो जैसा व्यवहार किया है आप क्षमा मांगिए। चलो ठीक है, माफी मांगिए। हो गया हो गया, एक साल तक, हो गया हो गया, हो गया, आपकी बात आ गई। आपको एक साल बात आ गई, आप लोग का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग की बात आ गई, ठीक है। समाज से भी विवेक शर्मा आपने कमेंट करी, समाज से भी विवेक शर्मा बोलिए विवेक भाई जी। ऐसा हम तो देख रहे हैं गौरव भाई जी, इतनी अच्छी आपने डिबेट चालू की है जी, और सब डिरेल किया जा रहा है जी, इधर से उधर, इधर से उधर। भाई मेन मुद्दा यहाँ पर आज ये जो बिल्डिंग बनी है, ढह गई, जो बनी हुई थी ये ढह गई, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है जी? भाई इसका नक्शा किसने पास किया था जी? क्या बिना नक्शे के भी बिल्डिंगें बनती हैं विकास प्राधिकरण की? बन जाती है, है ना, बन जाती है ना। तो उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी भाई? किसका किसका 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, किसका 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, किसका 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जी, उस पर आप बिल्डिंगें तैयार कर देते हैं, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी बनती है या फिर एलडी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बनती है? बिल्कुल, हम लोग जो जनता है, जो एक मासूम जनता है, जो अपना पैसा, अपने खून पसीने की कमाई इन बिल्डरों के हवाले कर देती है और ये बिल्डर घूसखोरी करके, भ्रष्टाचार करके, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं और अधिकारियों के साथ में हम लोगों को इस तरीके की जानलेवा भूखंडीय आवासीय योजनाओं में हमें बसा दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है? जी बिल्कुल, मैं फिर आपसे कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर संज्ञान ले लीजिए, क्योंकि जितने भी ऊपर के बड़े आपके अधिकारी हैं वो आप तक सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं, आम जनता की बात आप तक नहीं पहुंच रही है। नियोजन विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, नियोजित अनियोजित इन्होंने इस तरीके की यहाँ पर सोसाइटी डेवलप करी हुई है। अभी आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ये चला है कि एक पार्क है और लोग उसमें उसके चारों तरफ लोग रहते हैं, आश्रयहीन कॉलोनी है, उसके बीच में चिताएं फूकी जाती हैं, शव जलाए जाते हैं, ये अनियोजित कॉलोनी का विकास किया है इन्होंने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, जिम्मेदारी भुगत रहे हैं आम जनता। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये जो आज ये हो रहा है भाई साहब, मैं शफायत हुसैन साहब से एक आग्रह करूंगा, भाजपा के नेता हैं और मेरी बात, मेरी जो ये जनता की बात है, ये मेरी बात नहीं है, जनता की बात है, ये कम से कम सरकार तक जरूर पहुंचाएं। जो सुलभ आवास योजना बनाई है, सरकार की योजना है, शासन की योजना है सुलभ आवास योजना, अगर इसका एक बार अवलोकन कर लें, जितने भी बड़े हमारे अधिकारी लोग हैं वो एक बार जाकर उसको देख लें, उनकी कितनी दुर्दशा हो रखी है, ऊपर पानी की टंकियां बहती रहती हैं, लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, उसकी जो छत है वो जर्जर स्थिति में हो चुकी है, गिरने के बाद है ना, सब जगह से सरिये निकल रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर, उन निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के ऊपर कोई भी प्रभावी कार्यवाही, कोई भी दंडनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती, क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? जाएंगे, हो सकता किसी के हताहत होने के बाद जाएंगे। ठीक है भाई, अपनी बात नहीं, भाई सर, हम तो आज ये सोचिए कि लगातार 3-4 साल से लखनऊ विकास प्राधिकरण के मैं फ्लैट में रह रहा हूँ और बार बार यही आवाज उठा रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं को उठा रहा हूँ, जो हमारी बैक बोन है, जो हमारी लिपटे हैं, अभी हमारे यहाँ कितने लोग फंसे हैं, हम लोग परेशान घूम रहे हैं, कोई भी अधिकारी आज तक नहीं आए, G20 का बहाना लेकर सब लोग बैठे हुए हैं, केवल अपनी मीटिंग है, बैठकें गौरव जी 2 मिनट का समय लूंगा, केवल बैठकों में समय न बिताएं, जनहित का, जनता का कम से कम कुछ काम कर लें, G20 से कुछ नहीं होगा, जनता जिंदा रहेगी तभी आपकी जगह कार करेगी, अन्यथा आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है पूरी करिए, देखिये हमारा तो गौरव जी सीधे सीधे सरकार से कहना है जी कि जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे जी, और ये भी साथ में सुनिश्चित करे और ये भी चिन्हीकरण कराएं कि और कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो हादसे का शिकार हो सकती हैं जी,
और जो पुरानी घटनाएं हैं उनका संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करें। लोग घरों में होटल चला रहे हैं जी, बोलने पर उनकी गाड़ी में आग लगा रहे हैं, तो इस तरीके की गुंडागर्दी पर भी सरकार नियंत्रण करे जी, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि इसके लिए जिम्मेदार अफसर कौन है जी। हम यहाँ आपस में नोक झोंक करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बिल्कुल जब तक केवल इसका जिम्मेदार लेन देन प्राधिकरण है सर, लेन देन बिल्कुल लेन देन प्राधिकरण है। अभी आपने देखा होगा कि गुमटे नगर में एक बच्चा बीमार था, उन्होंने कहा कि साहब डीजे मत बजाइए, तो उनकी गाड़ी में आग लगा दिया, सुन लिया, और वहां पर एक आवासीय मकान है, होटल चलवा रहे हैं, होटल चलवा रहे हैं, सारे अधिकारियों को पता है, तो क्या सबको पता है सर, इनके एलआईयू को, इनके एलडीए को, इनके अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं कि आखिर इस शहर के अंदर मात्र, मैं गौरव जी एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मात्र छोटे छोटे मकानों को केवल उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको खानापूर्ति कर दी जाती है। तो मेरी मांग है कि ये कार्रवाई करें और राष्ट्रीय लोकदल सदन से लगा करके सड़क तक के विरुद्ध आवाज उठाएगा और आंदोलन करेगा। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा ये थी कि जो अलाया अपार्टमेंट गिरा है उसमें दो लोगों की मृत्यु हुई है, दो महिलाओं की मृत्यु हुई है, और कहीं ना कहीं जो चला जाता है दुनिया से वो लौट कर नहीं आता है। जो दर्द, जो एहसास और जो पीड़ा उस परिवार के साथ में है, उस परिवार को है, उसका कोई भी सहानुभूति के द्वारा निस्तारण नहीं हो सकता। उस भाव को, उस तकलीफ को कोई भी बयान नहीं कर सकता है, ना ही उसकी कोई पूर्ति कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर बिल्डिंगें गिरती हैं, बिल्डिंगों में आग लगती है, घटनाएं होती है, बातें होती है, कार्रवाई होती है, पर कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई होती है। हर बार हमारे विभाग बोलते हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं, जाँचें होती हैं, कहा जाता है चिन्हित कर रहे हैं, बिल्डिंगों पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई कब होगी, उन बिल्डिंगें बनी कैसे, उन बिल्डिंगों पर किस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें काबिज हो गई, कैसे उन बिल्डिंगों पर लोग रहने लगे, कैसे उन बिल्डिंगों में होटल बना दिए गए और कैसे उन बिल्डिंगों में कोचिंग सेंटर खोल दिए गए, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। इसके पहले भी तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स गंज में वहाँ पर कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, वहाँ पर भी आग लगी थी और वहाँ पर भी आपातकालीन दरवाजा और आग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यह हालत है तो अन्य जिलों में हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। अपरिचित रूप से आपके अगर सरपरस्ती में बिल्डिंग बन रही है और उसकी घटना होती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है जिन बिल्डिंगों पर लगाम लगाने के लिए तनख्वाह पा रहे हैं सरकारी। उनका काम ही यही है कि इन बिल्डिंगों को चिन्हित करें और कार्रवाई करें। आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जो कि लगातार बेहतर तरीके से काम कर रही है वो आने वाले समय में और बेहतर काम करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकारियों पे ऐसी कार्रवाई करें कि वो भी एक नज़ीर बने जिससे आने वाले समय में कोई भी अधिकारी ऐसी अवैध बिल्डिंगों का निर्माण को ना होने दे, तभी कुछ व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी और जनता हमेशा इसका खामियाजा भुगतती रहेगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।